और ये रहा हमारे पिंड का सेम नाला। कपड़े कैसे इन्होंने टांगे हुए हैं पता नहीं, ये भी मेरे ख्याल से कोई मन्नत का तरीका है इनका, मांगते हैं। ये रहा हमारा बांध। बांध वैसे अक्सर ही मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपना देहात का। डब्ल्यू बांध। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई लोग? जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं हूँ फन्नो भाई। आज के व्लॉग में मैं आपको अपना गाँव दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत गांव है। और आज के व्लॉग में मुझे मेरा साथ देंगे मेरे वही दोस्त जो कि पहले भी आए थे, ये अस्सलाम मेरा भाई फरहान भाई, चाल चाल है सब भाई, और दूसरा उस्मान भाई। कैसे उस्मान भाई? चले चलते हैं, शुरू करते हैं अपना। मैं आपको गांव दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, यहाँ का पीर। मैंने सुना है कि वो जब सैलाब आया था ना, उस टाइम पे ही बना था। ये रहा वो पीर। ये फरहान भाई, ये कब का है यार? ये तकरीबन इसको हो गया है 10-12 साल, ये फ्लड के टाइम का है शायद। फ्लड के टाइम पे बना था, यहाँ पे बना नहीं था, मतलब इसको दफनाया गया। अच्छा चल ठीक है यार, बना नहीं था, ये कोई बनाने वाली चीज थोड़ी ना है। सही है। वैसे यार मेरा पिंड तो वैसे ही खूबसूरत है। इधर एक मैंने एक और चीज़ आपको दिखानी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुरानी मशीनरीज, वो मैंने आपको दिखानी थी जो कि हमारे पुराने बाप दादा, मतलब हमारे अबाव अजदाद, उनसे पानी सराफ किया करते थे ना, फसलों को लगाया करते थे। वही मशीनरी मैंने दिखानी है आपको आज, सबसे पहले वही दिखाऊंगा। और वो ये रही मशीनरी, अभी तो सब ख़त्म हो चुकी है, जंग लग चुका है, इनको कोई इस्तेमाल भी नहीं करता। अब तो ये पुरानी भी हो गई हैं। रुको मैं पास जाके दिखाता हूँ। ये रही, ये देखे रस्टन, देखे उस टाइम के, वहाँ पे इंग्लैंड की थी। किधर गया इंग्लैंड? ये रहा उस वक्त पुराने दौर में बहुत ही ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा अहम था यह तरीका, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा तो वो था नहीं। अंग्रेज़ों के ज़माने के मेरे ख्याल से ये मशीनरी हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने की मशीनरी हैं। उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे उनकी ज़मीनों को पानी वगैरह लगता था, इन्हीं से ही लगता था। बड़ी बड़ी मशीनें उन्होंने ही बनाए थे। हमारे दौर में अब तो ये नहीं, अब तो बस हमारे दौर में छोटे छोटे ट्यूबवेल से रह गए हैं। उस टाइम पे तो ये वाली हुआ करती थी, अगर आज के दौर में होती तो फिर पता नहीं क्या ही होता। तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी पहले ये जगह, मतलब इधर आने भी नहीं देते, सब साइडों से बंद थी, क्योंकि इनकी ये मशीनरी अंग्रेज़ों की मशीनरी थी ये वाली। हम जब बल्कि हमारे छोटे होने से पहले ये ख़त्म हो गई थी, उस वक्त भी नहीं थी। ये देखे ना कितने बड़े बड़े पाइप खड़े हुए हैं। वैसे ये कुछ चोरी भी नहीं लेके जाता यार इधर के, इसको अगर ले जाए चलो हम गरीबों का भला हो जाए यार, बेलों बंदों का और तो कुछ नहीं होता, ये चोरी से ही होगा। दे साले देखे ना कितना बड़ा, इधर से मतलब बंदा जब ऊपर चढ़ जाए तो हमारा देहात भी बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इस मेरे ख्याल से जब ये एक बार चलता होगा तो पूरी ज़मीनों को शराब कर देता होगा, जो भी इनकी ज़मीन होगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इससे वो निकलता है एक टाइम में। अच्छा यार वैसे अगर अगर आज के दौर में इसको चलाने को पड़ जाए ना, तो यार हमारी तो बंद क्योंकि पेट्रोल 324 रुपये लीटर हुआ पड़ा है। अगर हम इसको चलाने नहीं है, पेट्रोल पे नहीं डीजल पे चलते हैं तो पीटर ना अंग्रेजों का जमाना खत्म हो गया, अब हमें इसको चलाने की जरूरत नहीं है। चल यार बंद करो, दूसरी चीज़ें भी दिखाइए। और ये रहा हमारे पिंड का सेम नाला, मतलब गंदे पानी वाला, समझ तो गए होगे ना। इधर से पानी लेते थे ना ये लोग। अच्छा तो फिर इधर से फिर सप्लाई होता था, मतलब साफ होता था पानी। अच्छा मतलब गंदा पानी लाते थे वो। तेरी गंदा पानी मालूम तो है, फिर खाद फ्री की लग जाती थी। सही बात है, ये निकासी का पानी है ना, फिर इधर से सप्लाई होता था, साफ होता था ये पानी। सही, सेम नाले वाला पानी लाते हैं। सेम नाले वाला पानी, चल ठीक है। वैसे अंग्रेजों को भी पता थी यार कि गंदा पानी लाना ज्यादा जल्दी फसलें बढ़ती हैं ना, पहन दी सीरी। तो ये चीज भी तो दिखा देना, आपने सब चीज दिखाई है, जब नंगा नहाता था कच्चा पहन कर दिखा दूं? नहीं। ये देखो भाई, इधर जो अनु नहाता था ना छोटे, कच्चा पहन कर और बुरैन डाल कर छोटे हुए आते थे यार, छोटे हुए हम आते थे इधर, जब छोटे होते थे उधर सब दोस्त मिल के इधर नहर में नहाने आते थे, हम टुबियां लाने आते थे। और क्या करते यार गर्मियों में, मतलब इधर ही टुबियां लाएगा। हाँ चला जाओ अंदर तो दिखाओ ना, जैसे आप जाते थे नहाने, टप्पे मारते थे ना। हमारी ये जगह जो है ना स्पॉट बहुत ही मशहूर है, इधर हम भी आते हैं, अभी भी आते हैं जब
जब इंसान फ्री, मतलब मैं जब सैड होता हूँ, सैड तो नहीं होता वैसे, फनी रहता हूँ, जब भी सैड होता हूँ या अकेला होता हूँ, जब दो ठंडी हवा चलती इधर, मतलब रात को जब आके बैठ जाते हैं बस धरना बल के ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मतलब बंदा बैठ जाता है, बस टाइम स्पेंड करना होता है, मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, इधर से नहर बग रही होती है, बग रही होती है, अभी गंदा पानी नहीं था, नहर में जाते मुंह भी धोते। ये हमारा पुल है जिधर अन्नू कच्छा पहन कर टपे मारा करता था। नहर तो आप लोगों ने देख ली जहाँ पे हम बचपन में नहाते थे। अब मैं जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ के जो मशहूर पीर बाबा थे वो दिखाऊंगा, और हमारा बंध, बंध के साथ वाला देहात, वो तो मशहूर ही है ना, बंध डब्ल्यू बंध। केड़ी पीर बुखारी कह रहे हैं, तो तुम केड़ी कह रहे हैं? ये पहुंच गए हैं हम पीर बुखारी पर। ऐसे यार इसको गलत ना ले लेना कि पीर बुखारी दिखा रहा है या पीरों पे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पिंड दिखाना था तो ये भी पिंड में ही शामिल होते हैं। पीर बुखारी लोग मानते हैं इसको, इधर आते हैं मेले शेले करते हैं, मैं तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको दिखाना था कि इधर ये भी है। ये रही वो जगह, वैसे इसके साथ कब्रिस्तान भी है, ये कब्रिस्तान और उसने ये पीर बुखारी। वैसे इस जगह पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग जो मैंने आपको आज दिखानी है। अच्छा इधर आ यार, आपको एक और चीज़ दिखाऊं। वैसे यार मुझे तो गलत लगता है, वैसे ये थोड़ा हमारे यहाँ इधर इसको खड़काते हैं, मतलब कोई भी मन्नत शनते मानते हैं तो इसको ऐसे पहली ज़रूर मार के जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम बात कि मैंने आपको दिखाना है, यार ये रहे वो पीर, मैं दुआ मांग लूँ यार इनके लिए। ऐसे यार अंदर का व्यू तो आपने देखा होगा, मैं बाहर का भी आपको दिखा देता हूँ। ऐसे यार एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, गरीबी इतनी है हमारे यहाँ, किसी से पूछ लो कि यार बस हम मर गए गरीबी से इतना कहेंगे, लेकिन एक और चीज़ दिखानी है आपको। इधर देखें, ये देखें कपड़े कैसे इन्होंने टांगे हुए हैं, पता नहीं ये भी मेरे ख्याल से कोई मन्नत का तरीका है इनका, मांगते हैं इधर कपड़े छोड़ जाते हैं। ये देखें, ये पता नहीं क्यों गया, मुझे नहीं पता, मैं कभी आया ही नहीं है, ना कभी पूछा है कि यार ये कपड़े क्यों छोड़ जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों छोड़ जाते हैं यार। अगर इतने ही कपड़े फालतू हैं किसी गरीब को दे दो, उसके काम आ जाएंगे। अब इधर खड़े खड़े सब गल सड़ गए हैं, इनका क्या फ़ायदा है यार। खैर कोई नहीं, हर बंदे का अपना अपना वो है, अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दो। मैंने बस आपको ये दिखाना था व्यू के यार, ये भी है हमारे देहात में, देख लें। वैसे अभी मिर्चों का सीज़न चल रहा है तो इधर पे मिर्चें बहुत ज़्यादा। हाँ और हाउ आर यू, मतलब है यूनिवर्सिटी इधर से दिखाओ उनको, क्या दिखाऊं। ऐसे यार वो दरख्त बड़ा खूबसूरत है। आया इधर, आया दिखाते हैं। देहात में वैसे यार मज़ा बड़ा होता है, हमें तो बहुत ही मज़ा आता है, जिधर भी जाओ सुकून से, कोई भी नहीं है, अकेले ही हर वक्त, जहाँ भी जाओ कोई रोक टोक नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं कहना। देहात है, इतना हरियाली हरियाली होती है। वैसे भी अगर देखा जाए ना देहात में सब लोग हट्टे कट्टे इसी वजह से होते हैं, हर चीज़ देहाती देसी चीज़ें खाते हैं ना। आ जाए यार, वैसे मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है यार अपने देहात में। ऐसे अभी मिर्चों का सीज़न चल रहा है तो सब मिर्चें काट रहे हैं, रत्ती रत्ती मिर्चें। ये रहा हमारा बांध, बांध वैसे अक्सर ही मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपना देहात का। डब्ल्यू बांध हाँ यार इसका नाम है, डब्ल्यू बांध है इसका नाम, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज ही पता लगा है कि इसको डब्ल्यू बांध कहते हैं। चलो ये भी अच्छा है यार, अपने एक क्या कहते हैं नॉलेज में इजाफा हो गया है। बांध है, मशहूर बांध है, मशहूर बांध है। हाँ सही है, हमारे वैसे कोटले की ये मशहूर ही बांध है। साथ में है ना, अगला व्यू हम बनाएंगे दरिया का, वो सामने दरिया है यार, तो
वैसे सामने इतने बड़ी, बड़ी बना दी है ना, इतनी भी सामने नहीं है यार दरिया जितने हमने कह दिया। तो खतरा होता है ना जब पानी आता है ना, फिर खतरा हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ी बड़ी बना हमें। वैसे अल्लाह पाक के करम है यार, हमें ये बंद भी मिल गई है, वरना हम कभी के डूब गए। दिखा यार सारे जानवर भी पिंड दे, साढ़े को नहीं है कि कौन साढ़े ने, गरीब बंदे हैं यार, पहले बने जानवर दिखाने कर लिया ने, पैसे आने दिखा रहे हैं भी, पिंड जानवर भी होंगे ने। नहीं उन्होंने पता नहीं उन्होंने पता था, वैसे दिखा रहे हैं। हाल है संगे? नहीं वैसे ही यार, तो कोई बात नहीं, नहीं ऐसे व्लॉग बनाना था। चाचा ये जानवर तेरे अपने हैं सारे? सारे अपने हैं जानवर यार, जा जा अपना दूर बैठे बस निकल गया तेरा कोड, कहना मैं इतने नहीं है, दूर बैठांगा मैं देखना ही तू। अच्छा जी भाई और सुना मामा, मामू जान लाइफ कैसी चल रही है आज, सब की जिंदगी कैसे जा रही है? इनको बोलो कि मेरे चैनल को, हिच के चैनल, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बोलो बात। मारा गाने मुआ क्या करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक कर दो, फॉलो कर दो, ऐसे ऐसे कह ठीक है ठीक है। थक के हूँ फिर स्टेंगी पीनी है, पीती पहली दवाई भैन जो स्टेंग लाल कलर चंगा स्टेंग का मामा, अच्छा नीले रंग की कार्डर भी ऐसे लगता है जिवें कोई बंदा स्प्रे पी रहा हो। लोग कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, आगे हैं यार इधर उधर जाके, मिट्टी मुंह पे भी नज़र आ रही है कितनी लग गई है, मुफ्ता पाउडर लग गया है। हाँ ठीक है यार, व्लॉग को वॉच करना है और सब्सक्राइब सबने लाजमी करना है और घंटी को भी दबाना है। आप कैसे कहते हो यार क्या करना है, वो ठीक है, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तू मार ला आगे, तू मार ला पंप, घर जा पे बारे बारे ते मार लो निकल जानी सारी हवा, निकल तेरी लगता तेन तोड़ पजावे, फिर पंप भी मार दे, ये तो मरवांदे भी जाइयो, आराम नाल आराम नाल जाइयो, सुकून नाल जा, चलो गाड़ी बैक करो, चलो चल यार।